कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? देखिए, आज से हम आप सब के लिए जो क्लास 10 के स्टूडेंट है जो 2023 में एग्जाम देंगे उनके लिए हम आज से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज हम एग्जामिनेशन 2023 के लिए पार्ट 1 पहला सीरीज लाए हैं मैथ के क्वेश्चन से। तो हम हर सीरीज में आपको नए चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। कुछ क्या, इतना सारा क्वेश्चन आपको बता देंगे ना कि आपका माइंडसेट पूरा क्लियर हो जाएगा उस चैप्टर को लेकर के। तो आज हम आपको जो है बताने वाले हैं रियल नंबर से, यानी कि पहला चैप्टर से, वास्तविक संख्या से, है ना, मजे की बात। तो चलिए वीडियोस को देख लीजिए, पहले क्लास को समझ लीजिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी नहीं है, है ना। और सब्सक्राइब कीजिएगा तो लगले लगले घंटी के बटन भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी नेक्स्ट सीरीज बने तुरंत नोटिफिकेशन आपको जाए, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को, और थोड़ा सा वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ वो भी अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर ले, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आपको 110% एक नंबरी में और दो नंबर वाले में, यानी कि लघु उत्तरीय में भी और ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा ही पूछेगा निश्चित रूप से, है ना। आप ऐसे नहीं है तो आप पिछले साल के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, दो चार साल पांच साल तक का, सब में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, है ना। बकवास फालतू चीजें आपको नहीं बताने वाले, ध्यान दीजिए, है ना। पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6, 8, 22 का मौसो और लौसो ज्ञात करें, यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों ज्ञात करना है। किसके द्वारा? अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो चलिए हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, फिर 8 का कर लीजिएगा, और फिर 22 का कर लीजिएगा। अभाज्य गुणनखंड तो करने आता होगा, अगर उसमें परेशानी होती है तो उसका भी सलूशन है, एक एक स्टेप आपको बताएंगे, है ना। चलिए सबसे पहले आप 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 तिहाई 6, 2 और 3 मर्तबे लगा, यानी कि यहाँ पे 3 लगाएंगे तो कैंसिल हो गया, 2 और 3 मर्तबे लगा ना, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 × 3, इतना तो आता ही होगा। उसी तरीके से फिर 8 का एलसीएम निकाल लीजिए, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2, देखिए 3 × 2 हुआ, 2 × 2 = 2, ओके। अब चलिए 22 कैल्शियम करते हैं, ठीक उसी तरीके से 22 कैल्शियम होगा 2 × 11, 11 × 1, यानी कि 2 × 11 हो गया ना अभाज्य गुणनखंड। अब लौसो और मौसो निकालना है। अब एक चीज हमको बताइए, देखिए मौसो समझने के लिए आप इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, HCF, HCF, हायर कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसा ऐसा संख्या जो तीनों में हो और सबसे बड़ा हो। तो देखिए हम इसमें तीनों में एक ही चीज देख रहे हैं, 2, जो तीनों में है, वैसे तो सबसे बड़ा 11 है लेकिन सिर्फ एक ही में है, तीनों में नहीं है, अगर तीनों में रहता तो ये नंबर होता। तो देख रहे हैं कि तीनों में एक ही कॉमन नंबर है और वो है 2, तो आपको सिंपली हो गया आपका HCF 2 बिना कोई झंझट के, ओके। अब LCM भी ज्ञात करना है, लॉसो ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए क्या होता है कि जितना फैक्टर है ना, तो जितना बड़ा फैक्टर है उसको आप ले लीजिए और छोटे वाले को छोड़ दीजिए। तो इसमें देखिए इसमें बड़ा फैक्टर कितना है, 3, तो मल्टीप्लाई बाय, यहां पर देखिए 3 × 2 है, यानी कि इसका फैक्टर है 2 पर पावर क्यूब, यानी कि 2 पर पावर क्यूब, ठीक है, और इसका बड़ा फैक्टर है 11, तो 11। अब आपको क्या करना है, गुना कर देना है। तो गुना कर दीजिए, देखिए 2 पर पावर 3 है तो ये 8 हो गया, है ना, और 11 × 8 = 88, और 88 + 3 = 24, 4 + 2 = 24, 25 + 26, 264, ये हो गया आपका आंसर LCM, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, है ना, आया ना समझ में। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस चैप्टर का एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, क्या है, 2 संख्या का मौसो 23 है। देखिए यहां पर पहले महत्तम समापवर्तक निकाल दिया कि 2 संख्या का महत्तम समापवर्तक 23 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक भी दे दिया 1449 है। संख्या का मालूम ही नहीं है कि कौन सा संख्या है, लेकिन उसका मौसो और लौसो पता है, देखिए कितना कंफ्यूजन है, है ना। और यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। अब देखिए 2 संख्या तो है जिसमें से एक को पता है, अब दूसरा आपको ज्ञात करना है, है ना। तो चलिए बनाते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली संख्या 161 है तो यहां पर लिख लेते हैं हम पहले, ठीक है, पहली
संख्या 161, दूसरी संख्या जो हमको ज्ञात करना है, दूसरी संख्या हमको पता ही नहीं ना पता है, वही ना करना है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरा संख्या तो पता ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है, मान लेते हैं x है। अब आप बनाइए, तो बनाने के लिए इसको क्या फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, है ना, दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी कि दूसरी संख्या x बराबर, दूसरी संख्या जो हम x माने हैं तो इसका मान निकालना है, कैसे बनेगा, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, लॉसौ को मौसौ से गुना कर देना है, क्या करना है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में लॉसौ और मौसौ दिया हो, पहला संख्या आपको पता हो और दूसरी संख्या जब ज्ञात करनी हो तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। हमने क्या किया, लॉसौ को मौसौ से गुना कर दिया और उसको बटे यानी कि भाग कर देना है किसको, पहली संख्या से, देखिए क्या कर देना है, पहली संख्या लॉसौ गुने मौसौ बटा पहली संख्या, अब इस फॉर्मूला पर रखिए ना, आपका आंसर देखिए ना कैसे निकलता है चुटकी में, है ना, 900 कितना है 1449, तो लिख दीजिए 1449 गुने 900 कितना है तो 23 लिख दीजिए, अब बटे में कितना है पहली संख्या तो 161, है ना, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, अपने खुद ने तो ही करता होगा, चलिए हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, है ना, बस देखिए 7 से काट दिए, 207 मतलब ये कट गया, 23 मतलब ये कट गया, 23 से 23 कैंसिल, 207 बच गया, यानी कि हमारा दूसरी संख्या x बराबर कितना होगा 207, बस सिंपल सा है, इतना ही ध्यान रखना। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉरी चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखिए बहुत आसान है, क्या कर रहा है, यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड का क्या करना है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 232 का क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे बनेगा, कुछ नहीं बस भाग करना है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जो शेष होता है ना, देखिए भाग सीखे हुईगा बचपन में लड़कपन में, तो ये वाला याद किए हुईगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, आ इसमें क्या करना है शेष को जोड़ देना है ना, इसी को अभी आप शॉर्टकट में लिखना है तो लिख सकते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर, बस इस फॉर्मूला पर बना देना है, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, 232 को यहाँ पे लिख लीजिए और इसके बराबर में 272 लिख दीजिए, अब आपको क्या करना है कि 272 से 232 में भाग दे देना है, चलिए हम साइड में भाग भी करके देख लेते हैं, है ना, 272 से तीन मरतबे, तीन गुना छह सत्याग्रह एक हासिल, दो तीन गुना छह व दो आठ, 12 में से 6 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 10 में से 8 गया 2, देखिए तीन मरतबे लगा 216 हुआ, तो इसके लिए यहाँ पर गुने 3, है ना, और जोड़ 216, अब देखिए 272 को इधर उतारिए और 216 को, देखिए बीच वाला को छोड़ देना है, बाकी दोनों को इधर घसका देना है, 272 को इधर बराबर को इधर 216 को, ये काम तब तक करना है जब तक शेषफल 0 न आ जाए, क्लियर, चलिए अब 216 से 272 में लगाएंगे तो एक ही मरतबे लगाएंगे, अब घटा दीजिए 12 में से 6 गया 6, है ना, 7 में से 1 गया तो 12 में से 6 गया 6, ये हो गया 6, 6 में से 1 गया 5, खत्म, अब 216 को यहां उतारेंगे और 56 को यहां उतारेंगे, अब देखिए क्या मरतबे लगेगा, तो 50 चौका 200, अच्छा क्षति ज्यादा हो जाएगा, तो तीन मरतबे लगाइए ना, तीन मरतबे लगाइएगा तो कितना होगा, 36 18 के 8 हासिल 15 116 169, और घटा दीजिए 16 में से 8 गया तो 8, 16 में से 8 गया 8 और 10 में से 6 गया 4, देखिए भाग किए हैं 56 में 216 से, 216 में जो है 56 से भाग किए हैं, भाग अलग से भी कर सकते हैं, है ना, ये हम अपना स्टाइल से कर लिए हैं, आप अपना स्टाइल से कीजिएगा, देखिए अब 56 = में 48, एक मरतबे और घट जाएगा तो 16 में से 8 गया 8 और 4 कैंसिल, है ना, अब 48 इधर और 8 इधर, कई मरतबे लगेगा 8 6 48, पूरा पूरा लग गया शेष 0, देखिए यहाँ पर शेष 0 हो गया, खेल खत्म, 8 मरतबे लग गया, यानी कि आपका महत्तम समापवर्तक 8 हो गया,
स्वाहा, खेल खत्म, बन गया ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए क्या करा है, दो संख्या का मौसम 18 है। देखिए दो को संख्या का महत्तम कितना है, 18 है, और वो दोनों संख्या का गुणनफल 12,960 है। तो लॉसों ज्ञात करिए। देखिए इसमें संख्या का कोई अता पता नहीं है, इसमें संख्या का कोई लेना देना है ही नहीं। कोई दो को संख्या है जिसका मौसम 18 है और दोनों को गुणा किया तो 12,960 है, तो लघुत्तम क्या होगा, है ना। बहुत पेचीदा बात है लेकिन इस पेचीदा को आसान बना देते हैं। चलिए तो आपको ज्ञात करना है क्या, लॉसों। तो लॉसों निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल अब बटा में क्या मौसम यानी कि महत्तम समाप्त हुआ। अब दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, 12,960 और मौसम कितना है, 18। अब काट दीजिए इसको 18 से, 18 × 6 = 127, 127 × 28 = 29, 18 × 36 = 20। देखिए 720 टाइम कट गया, यानी कि लॉसो कितना हुआ, 720 हो गया ना, है ना आसान क्वेश्चन सॉल्व। चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या करता है ना, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। अब भाई परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, 1.34 को पहले लिख लेना है, ठीक, इसके नीचे बटा दे देना है, अब इस दशमलव को ऐसे उड़ा देना है, और दशमलव के बदले में एक उड़ाए ना, इसलिए एक, और दशमलव के बाद जय गो अंक है उतना जीरो। अब यहाँ पर दो गो अंक है देख रहे हैं तो दो गो जीरो, अभी हो गया 134, अभी हो गया 100, कटेगा तो काट दीजिए, 2 × 6 = 12, 2 × 7 = 14। देखिए 67 मरतबे कटा, 50 मरतबे कट गया, यानी कि आपका आंसर हुआ 67/50, ये हो गया परिमेय रूप, है ना। देखो कितना आसान है। अब लगभग आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो ही चुका है, एक और बचा हुआ है इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करने वाला, काहे छोड़े उसको, बना ही लेते हैं। देखिए ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है, है ना। चलिए क्या करना, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। देखिए हम जानते हैं कि √3 अपरिमेय है लेकिन आपको साबित करना है, है ना। चलिए कैसे साबित करेंगे, तो देखिए मान लीजिए पहले, ठीक है, हम मान लेते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या पी बटा क्यू है, मान लेते हैं, ठीक है, सपोज दैट, यानी कि √3 = p/q है, और जहां p/q है, जहां क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू क्या है, कोई एक पूर्णांक है, कुछ भी हो सकता है, 1, 2, 3, 4 एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है ना, यानी कि एक से बड़ा ही होगा, क्यू का मान जो है एक से बड़ा ही होगा, मान लीजिए कोई एक पूर्णांक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, है ना, यानी कि पी वटा क्यू का स्क्वायर। अब इसको हल कर लीजिए, जब इसके नीचे कुछ नहीं है, मान लीजिए क्रॉस गुना हम करते हैं, है ना, तो क्रॉस गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर अब बराबर √3 क्यू। अब यहां पर देखिए हमने क्या कहा कि क्यू कोई पूर्णांक है, क्या कहते हैं, क्यू कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई √3 गुने कोई पूर्णांक है, अब कोनो पूर्णांक से √3 में गुना करेंगे तो भाई आंसर तो रूट में ही आने वाला है ना। तो अब क्या करेंगे हम कि पी स्क्वायर, इधर देखिए और इधर देखिए, दोनों आपको क्लियरली समझ में आएगा, इधर एक भाज्य संख्या समझ में आ रहा है, कोई पूर्णांक होगा, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अगर पी के जगह कोई नंबर रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा, यानी कि ये भिन्न जो है परिमेय होगा और ई अपरिमेय हो जाएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं, इसको आप समीकरण एक मान के चलिए, ठीक है, और कहिए कि समीकरण एक से प्रतीत होता है, क्या होता है, प्रतीत होता है कि पी स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, क्या है, पी स्क्वायर एक परिमेय संख्या है, और
तीन क्यू एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है जो पी स्क्वायर का क्या करता है, विरोध करता है, विरोध करता है। ठीक है, हो गया। अब यहां पर एक लाइन और लिख दीजिए, अतः हमारी मान्यता, अतः हमारी मान्यता गलत है, रूट तीन एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बस यही लिख देना है, एक बार व्यू देख लीजिए, लिख करके बता देना है, साबित करना है, हो गया। अब देखिए ये पार्ट वन में हमारा ये हो गया। फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए, देखिए, अपने दोस्तों में बांटिए, और सेकेंड पार्ट के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सेकेंड पार्ट कब लाए आप सबके लिए। बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन 2023।